नमस्कार मैं हूँ आस्था टाटिया आपकी हैप्पीनेस कोच और स्पीकर और आज आपसे बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही अहम बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर खुश कैसे रहें जरूरी है सोचते भी होंगे आप कई सारी चीज़ें अगर हम देखें हम जिनके पीछे भाग रहे हैं एग्जाम क्लियर करना है ये नौकरी चाहिए फिर आगे ये अचीवमेंट करना है कॉरपोरेट में जाना है नहीं नहीं मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है और भी जो चीजें हैं ये सब के पीछे अल्टीमेटली अंत तो गतवा हम चाहते क्या हैं खुश रहना है ना और ये खुशी कई बार हमसे छूट जाती है जब हम इन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं या इनको हासिल करने की होड़ में लगे हुए होते हैं तो आज मैं आपसे पांच पांच माइंडसेट्स की बात करना चाहती हूं क्या परिवर्तन आप अपनी सोच में लाएं जिनसे आप खुश रहना सीख सकते हैं खुश रहना शुरू कर सकते हैं और आप आश्चर्यचकित रहेंगे जब आप इन पांच चीजों को अपनाएंगे मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूं आपकी जिंदगी बदल सकती है तो ध्यान से सुनिए शुरू करते हैं सबसे पहला आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है ये बहुत जरूरी है अब आपको सुनकर लगेगा हाँ ठीक है लेकिन मैं क्या करूं अगर मेरी मम्मी ये बात नहीं सुनती हैं या मैं क्या करूं अगर हमारे टीचर्स ऐसे हैं मैं क्या करूं कोविड आ गया देखिए अगर एक मैं इसको अगर यूँ कहूं कि बहुत आसान है कि हम जिम्मेदारी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ दे दें बाहर क्या हो रहा है लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं किसने मुझे क्या कह दिया अब अगर वो ऐसे कर रहा है तो मैं क्या करूं, मैं कैसे खुश रह सकता हूं, मेरी जिम्मेदारी मेरी है मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है यदि आप ये सोच लेते हैं यदि आप ये ठान लेते हैं और ये आ, आपके एक्शंस में आपके व्यवहार में आपकी गतिविधियों में कैसे आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप जिम्मेदारी ले, ले लेंगे अपनी खुशी की तो फिर आप उन चीज़ों से दूर रहना शुरू कर देंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है जो आपको आगे बढ़ाने की जगह पीछे खींच रही है अपने आप, आप देखेंगे अभी जिन चीजों में आप घुसे चले जाते हैं आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है आप उन चीज़ों से दूर रहना शुरू कर देंगे तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी है ये बहुत बहुत अहम बात है और इसको अपनाना उतना ही जरूरी है अपनी उत्तम क्षमता को व्यक्त करने से खुशी मिलेगी आपका जो पोटेंशियल है हाईएस्ट पोटेंशियल हम सब इस धरती पर आए हैं अपने पोटेंशियल को व्यक्त करने के लिए अपनी क्षमता को व्यक्त करने के लिए और अगर आप देखेंगे असलियत में एक्चुअली हमें दर्द कब होता है हमें पेन कब होता है प्रॉब्लम कब होती है जब हम अपनी क्षमता अपनी क्षमता को व्यक्त नहीं कर पाते तो आप जब अपनी क्षमता को व्यक्त कर पाएंगे जब आप ये सोचकर आगे बढ़ेंगे कि मुझे मेरी उत्तम क्षमता की तरफ आगे बढ़ना है वो इतनी ज़्यादा खुशी देता है अक्सर जब आप देखेंगे कि आप सोचते हैं कि मैं निराश हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आया मैं निराश हूँ क्योंकि सामने वाले ने मुझे ये कह दिया एक्स कह दिया वाई कह दिया लेकिन एक्चुअली उन चीज़ों की वजह से वही जो हमने बात की थी इन चीज़ों की वजह से जो आपके ऊपर प्रभाव हुआ आपकी सोच हुई आपने कहा मैं मुझे क्या समझ रखा है आ, मुझे आ, ऐसा क्यों कह दिया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये जितना भी कुछ चलता है ये फीलिंग्स आपको आपका हंड्रेड परसेंट नहीं देने देती और आपकी क्षमता जब पूरी तरह बाहर नहीं आती है उससे बड़ा पेन कोई नहीं होता है बात एक एग्जाम क्लियर करने की नहीं है बात एक नौकरी पाने की नहीं है आगे बढ़ने की नहीं है बात है कि जो भी आपके अंदर क्षमता है वो बाहर आनी जरूरी है और अगर वो क्षमता बाहर आती है तो आप निश्चित तौर पर खुश होंगे तीसरा खुशी आज में अभी इस क्षण में है पास्ट में नहीं है पूर्व में नहीं है आने वाले समय यानी फ्यूचर में नहीं है हम अक्सर कहाँ रहते हैं पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं पास्ट में ये क्या हुआ क्यों हो गया मैं ये क्यों नहीं कर पाया और फ्यूचर क्या होगा मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा नहीं, नहीं, तो नहीं कर पाया तो क्या होगा तो पास्ट और फ्यूचर में जब भी आप रहेंगे आप खुश नहीं रह पाएंगे पास्ट आपको रिग्रेट लेकर आएगा कि काश मैं ऐसा कर लेता काश ये हो जाता और फ्यूचर एक एंग्जाइटी लेकर आता है खुशी कब महसूस करेंगे जब आप इस क्षण में आज में अभी में जिएंगे है, है पास अगले पल क्या होना है पता नहीं है तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अहम आदत है जो आपको बिल्ड करनी होगी जो आपको अपने अंदर लानी होगी कि मैं कैसे इस क्षण में रह सकूं अक्सर आप पाएंगे आप या तो पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं तो जब इस पल में है इस पल के ऊपर मेरा नियंत्रण है इस पल में ही खुशी है यहां पर आप रहेंगे तो उस खुशी को महसूस कर पाएंगे तो अपनी लाइफ को महसूस कर पाएंगे चौथा माइंडसेट जो आपको अपनाना है वो है उसे जाने दे जो आपके नियंत्रण में नहीं है निन्यानवे प्रतिशत या शायद उससे भी ज्यादा अगर आप देखेंगे आपका पूरा फोकस आपका पूरा टेंशन और आपकी पूरी ऊर्जा एनर्जी किस में जाती है उन चीजों में जो आपके नियंत्रण में भी नहीं है ये ऐसा कर क्यों नहीं करता उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया उनको ऐसे बिहेव करना चाहिए एग्जाम इस तरह से आना चाहिए पेपर ऐसा क्यों आ गया ये नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जितनी चीजें आप सोचते हो निन्यानवे प्रतिशत उस वक्त वो सारी चीजें क्या आपके कंट्रोल में है क्या आपके नियंत्रण में है और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में सोच के अपनी एनर्जी गवा के आप क्या हासिल करते हो खुशी तो नहीं तो उसको जाने दो जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसको अपने जहन से जाने दो और उसके बारे में सोचो उस पर अपना फोकस लाओ जो आपके कंट्रोल में है जो आपके नियंत्रण में है तो आपके नियंत्रण में क्या है सिर्फ आप हो आपके नियंत्रण में क्या है सिर्फ आपकी गतिविधियां आपके एक्शन है और कुछ भी नहीं है किसके ऊपर है आपका कंट्रोल किसके ऊपर है नियंत्रण क्या आप किसी को यह बोल सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हो पर सामने वाला कौन कहाँ क्या करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है आपको सिर्फ दुख देगा यदि खुश रहना चाहते हो तो उसको छोड़ो जो नियंत्रण में नहीं है उस पर ध्यान दो और उसको और बेहतर करो वहां पर शिद्दत से लग जाओ जहां पर आपका नियंत्रण है और वो आप हो आपकी गतिविधियां हैं और पांचवा और बहुत बहुत ही अहम जो मैं चाहती हूं आप अभी से इसको समझना शुरू करें अगर नहीं सोचा है तो ब्रह्मांड पर भरोसा करें ट्रस्ट प्रोसेस जो भी प्रक्रिया हो रही है ये ब्रह्मांड जो भी कर रहा है ये तो आप मानते होंगे कि चाहे आप ब्रह्मांड कहें चाहे आप भगवान कहें कोई एक शक्ति है जिसने हम सबको एक साथ रखा हुआ है जिसने इस धरती को रखा हुआ है तो कुछ तो सुपर पावर है और ये जो ब्रह्मांड है ये हर चीज उत, उसी हिसाब से कर रहा है जैसी होनी चाहिए विश्वास रखें कि सब कुछ वो हो रहा है जो आपको वहां ले जा रहा है जहां आपको होना है हर चीज होने के पीछे एक कारण है तो निराश मत हो ये मत सोचो मेरे साथ क्या हो गया और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी की ये हकीकत है आज मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र अगर मैं कहूं तो वो ये है कि मैं वो करती हूं जिस पर मेरा नियंत्रण है मेरे एक्शंस और साथ में मैं ब्रह्मांड पर इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत बहुत कट्टर भरोसा रखती हूं कि जो भी हो रहा है अगर मैं मैं कोई परिणाम चाहती हूं और वो नहीं मिला तो भी मेरे लिए जो ख्याल आता है क्योंकि विश्वास इतना स्ट्रांग है तो वो ये होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण है ब्रह्मांड की सृष्टि की यह कोई इच्छा है और आ, कुछ इसमें भी छुपा हुआ है ये मुझे उसी दिशा में ले जा रहा है जहां मुझे होना चाहिए तो आप छोटी छोटी चीजों से छोटे छोटे परिणामों से निराश मत हो क्योंकि वो आपकी खुशी को छीन लेता है फिर आपकी आदत हो जाती है निराश होने की हताश होने की भरोसा रखो ब्रह्मांड पे भरोसा रखो उस ताकत पे जिसको आप मानते हो एंड हर चीज आपको वहीं ले जाएगी तो ये पांच चीजें यदि आप इस अपनी सोच में अपने अंदर लेकर आते हो ये मैं दावा करती हूं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि आप खुश रहना सीख जाएंगे आप ये देखेंगे कि खुशी एक चॉइस है खुशी कहीं भी बाहर नहीं है आपके अंदर है और आप उसे जब चाहें जिस पल चाहे चाहे जो भी कुछ बाहर घट रहा है आप उसे महसूस कर सकते हैं और आप महसूस करेंगे लेकिन ये पांच चीजें जो मैंने बताई हैं, इनको दोबारा देखिएगा दोबारा सोचिएगा और रिफ्लेक्ट कीजिएगा और इनको अपनाइए मैं आशा करती हूं ये आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा इससे आपको कुछ थोड़ा बहुत एक्शन पॉइंट्स मिले होंगे कि आगे क्या करना है कैसे खुशी को अपना सकते हूँ और भले ही पांचों नहीं किसी भी एक को उठाइए इनमें से जो सबसे ज्यादा आप जिससे रिलेट कर पाए उस एक को उठाइए और उसको अपनाइए और अपनाने का मतलब एक दिन दो दिन नहीं है उसको अपनाइए जिम्मेदारी लीजिए अपनी खुशी की आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है या जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसको जाने दीजिए ब्रह्मांड पर भरोसा करिए तो जो भी कुछ आपको लगा उस पर अमल कीजिए और जल्द ही मैं आपसे फिर रूबरू होंगी मिलूंगी नए टॉपिक के साथ थैंक यू नमस्कार